हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग रेसिपी है पान आइसक्रीम की। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि खाने के बाद अक्सर हमें किसी ना किसी माउथ फ्रेशनर की या आइसक्रीम की ज़रूरत होती ही है। तो आज हमने जो ये पान आइसक्रीम तैयार की है, इसमें हमें दोनों का मज़ा मिल जाएगा, माउथ फ्रेशनर का भी और आइसक्रीम का भी। और आज की जो ये रेसिपी है, इसकी ख़ास बात ये भी है कि इसे बनाने में हमने किसी मावे का इस्तेमाल नहीं किया है, कोई कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं किया है, ना ही किसी मिल्क पाउडर का या ब्रेड का यूज़ किया है, बल्कि घर के ही कुछ सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इतने ज़्यादा डिलीशियस आइसक्रीम बनाकर तैयार की है जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलें इस माउथ वाटरिंग रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध। और अब इस दूध में हम उबाल आने देंगे और हमने दूध को इतना पकाना है कि इसकी जो क्वांटिटी है दूध की वो आधी रह जाए और दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक हो जाए। तो जब एक तेज उबाल इसमें आ जाएगा उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर इसे रख देंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो चलिए दूध को तो अब हम पकने देते हैं और अब इसकी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ कुछ पान और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद में अच्छे से इन पान का जो ऊपर और नीचे का जो पार्ट है उसे हमने कट कर देना है और कहीं से अगर ये ख़राब है तो उस हिस्से को भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो भाई, पान वाली आइसक्रीम बना रहे हैं, इसके लिए पान का तो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और अब इस तरीके से इसके नीचे और ऊपर का पार्ट हम कट करके अलग कर देंगे और अब इनके थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार लिया है और उसके अंदर ये जो हमने पान कट किए थे उन्हें डाल देंगे और साथ में ही 1 टेबल स्पून हम डाल देंगे गुलकंद। इससे जो पान की आइसक्रीम का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। इससे इस आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि जब सारे इंग्रेडिएंट्स ये आपस में मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी महक इस आइसक्रीम में आती है, तो उसको भी ज़रूर डालिएगा। और इसके साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून नारियल का पाउडर लिया है, इसको भी इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। और इसके बाद 4 टेबल स्पून के अराउंड दूध इसमें डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो ये लीजिए, इसका पेस्ट हमने रेडी कर लिया है। तो इसका टेक्सचर मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ, इस तरीके का इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि दूध का क्या हाल है। तो आप देख ही सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है वो आधी रह गई है। और अब इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे, तो मैं 1/4 कप शुगर इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसे अपने जायके के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा शुगर और ऐड कर दीजिएगा। अब शुगर डालने के बाद में इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए और पकाएंगे और फिर इस दूध को हम ठंडा कर लेंगे। तो दूध अब ठंडा हो चुका है और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने पान का पेस्ट तैयार किया था उसे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत प्यारा सा आ गया है, तो इसमें हमें कोई फूड कलर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और बस अब ये मिक्सचर हमारा जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस आइसक्रीम को जमाने के लिए आप कोई भी कुल्फी के मोल्ड ले सकते हैं, आइसक्रीम मोल्ड ले सकते हैं या फिर कोई इस तरीके का बॉक्स जैसा कि मैंने लिया है वो ले सकते हैं। किसी में भी चीज़ में आप इस आइसक्रीम को जमा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक का बॉक्स लिया है और इसके अंदर ये जो मिक्सचर है हमारा आइसक्रीम का, इसे हम डाल देंगे। और फिर सारा मिक्सचर जब इस बॉक्स में हम डाल देंगे उसके बाद इसे फॉइल से अच्छी तरीके से रैप कर देंगे ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने। और उसके बाद इसका लिड लगा देंगे और फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए, ओवरनाइट के लिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी ये आइसक्रीम कैसी बनकर तैयार हुई है।
तो लीजिए, हमारी आइसक्रीम बिल्कुल जम चुकी है। अब मैं इसे आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने ये फॉइल हटा दी है और बहुत ही लाजवाब ये आइसक्रीम बनी है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। और आपने देखा ना कितनी ज्यादा आसान है इस आइसक्रीम को घर पर बनाना और बहुत ही खाने में लाजवाब लगती है। तो एक बार इसे ट्राई करना तो बनता ही है। और इस आइसक्रीम को बनाने में हमने किसी भी फूड कलर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन आता है उसे तो जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो ये लीजिए, हमारी ये लाजवाब सी आइसक्रीम खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस आइसक्रीम को एंजॉय कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।